नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। अगर आपने अपने चालान को वर्चुअल कोर्ट में कंटेस्ट कर दिया है या गलत चालान बनाया गया है आपका और आप उसको कंटेस्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो में जुड़े रहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा क्या होता है कोर्ट में कंटेस्ट होने के बाद। जब आपने अपने मामले को कंटेस्ट किया और कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले आपसे एक बेल बांड मांगा जाएगा या पर्सनल बांड मांगा जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि आपकी हाजिरी, आप कोर्ट में आएंगे उसको सुनिश्चित करने के लिए बेल बांड मांगा जाता है। बेल बांड की जो प्रोसीजर पूरा होने के बाद 207 सीआरपीसी के तहत जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं संबंधित आयोग के द्वारा या संबंधित चालानिक अफसर के द्वारा, उसकी फ्री आपका कास्ट जो कॉपी होगी आपको कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। और उसके बाद सीआरपीसी की धारा 251 के तहत नोटिस बनाई जाएगी। अब उस नोटिस में होता क्या है, नोटिस में जैसे आपके चालान में जो डिटेल दिया गया उसी के अकॉर्डिंग नोटिस बनाया जाएगा आपको। जैसे उसमें कोर्ट आपको बताएगी कि देखिए आपके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि फला डेट को आप इतने बजे आप इस नंबर की गाड़ी को चला रहे थे और इधर से आके उधर जा रहे थे। जगह लिखा होगा, मैं तो एक फॉर्मेट बता रहा हूं, आप इधर से आके उधर को जा रहे थे और इस जगह पे आपने इस ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया है, क्या आप अपनी गलती मानते हैं? कंटेस्ट के केस में गलती नहीं माननी होती है, गलती मानने को कोर्ट में प्लीड गिल्टी बोलते हैं और गलती नहीं मानने को प्लीड नॉट गिल्टी बोलते हैं। जो हम फाइन पे करते हैं कोर्ट में वह प्लीड गिल्टी करने पे ही करते हैं। तो हमें इस केस में प्लीड नॉट गिल्टी को करना है और प्लीड नॉट गिल्टी करने के बाद कोर्ट क्या करती है कि जो इसके गवाह है उस गवाह को सम्मन करती है कि आइए भाई अपनी गवाही को दीजिए। अब गवाह कितने होते हैं इसमें, इसकी जानकारी कैसे हो, गवाह की जानकारी आपके चालान में है। आप अपने चालान को ध्यान से देखिए, चालान में पूरी डिटेल आपको दी गई होती, कब की बात है, कितने बजे की बात है, किस जगह की बात है। और सबसे नीचे आएंगे तो एक लिखा होगा गवाह, गवाह के नीचे एक नाम लिखा होगा संभवतः या ट्रैफिक पुलिस का एक कांस्टेबल होते हैं, यह हो गया एक गवाह। और दूसरा जो गवाह होते हैं जिन्होंने चालान को बनाया है, चालानिंग अफसर जिसे बोलते हैं, वही मेन गवाह होते हैं। और उस डेट पर जब ये आते हैं तो सबसे पहले चालानिंग अफसर का कोर्ट में गवाही होती है। गवाही के दो पार्ट होते हैं, पहले पार्ट को बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ चीफ। एग्जामिनेशन ऑफ चीफ में जो गवाह होता है वो अपनी बातों को बताता है कि उस दिन क्या हुआ था, और उसको साबित करने के लिए अगर उसके पास कोई एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जैसे कि उस दिन उसने कोई फोटो ले लिया था आपकी बाइक की या डॉक्यूमेंट का जो कोई फोटो लिया होगा, तो ये सब जो कोर्ट में लाके जो सबमिट कर रहे हैं तो उसको एग्जिबिट करवाते हैं उस डेट पे अपने केस को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि प्रूफ ऑफ बर्डन प्रोसिक्यूशन का होता है, एक्यूज को तो प्रूफ नहीं करना होता है, जो गवाह पक्ष होगा जो प्रोसिक्यूशन का पार्ट है उसको यह केस को प्रूफ करना है। तो उस सब एविडेंस को एग्जिबिट कराते हैं और जब यह एग्जिबिट हो जाता है, एग्जामिनेशन अब चीज पूरा हो जाता है, तो उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन जो एक्यूज होते हैं उनके काउंसिल के द्वारा उस गवाह से सवाल पूछे जाते हैं और उस गवाह से सवाल पूछने के द्वारा उस दौरान जो एक्यूज के काउंसिल होते हैं उनकी जो डिफेंस होता है, उनकी जो तैयारी होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने सवाल को पूछते हैं और सजेशन के माध्यम से अपना डिफेंस भी वहीं पर लिखवाते जाते हैं। जब एग्जामिनेशन ऑफ चीफ पूरा हो जाता है तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट रही थी, हालांकि ऐसा होता कम है लेकिन कभी कभी ये चीज देखने वाली चीज है, इसीलिए आप लोगों को यह ध्यान देना चाहिए। जब भी किसी गवाह का एग्जामिनेशन चल रहा हो, चाहे एग्जामिनेशन ऑफ चीफ चल रहा हो या क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा हो, उस बीच ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि दूसरा गवाह कहीं कोर्ट में तो नहीं बैठा है, क्योंकि दूसरा गवाह कोर्ट में नहीं बैठ सकता, उसे कोर्ट से बाहर। हालांकि कोर्ट इन सब चीजों का ध्यान रखती है लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, तो अगर ये जानकारी में आ जाए तो आपको तुरंत कोर्ट को इसकी सूचना देनी चाहिए कि जब ये गवाही चल रही थी तो दूसरा जो विटनेस है आके उस गवाही को देख रहा था और सुन रहा था। यह बहुत ही जरूरी चीज होता है, यह ध्यान देने वाली चीज होती है, हालांकि ऐसा होता है कम, फिर भी इसको ध्यान देना चाहिए। जब क्रॉस एग्जामिनेशन पूरी हो गई
गवाह की, तो उसको कोर्ट के द्वारा डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दूसरा गवाह आता है, सेम प्रोसेस है, एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। चूंकि दोनों आई विटनेस हैं तो इस केस में ज़्यादातर जो सवाल होते हैं दोनों विटनेस से सिमिलर पूछे जाते हैं, और कहीं दोनों ने उत्तर एक ही सवाल का दो अलग अलग उत्तर देता है, तो वही सस्पेंस ऑफ डाउट क्रिएट होता है, जिसका फायदा एक्यूज को मिलता है। एग्जामिनेशन ऑफ चीफ खत्म होने के बाद और एग्जामिनेशन ऑफ क्रॉस खत्म होने के बाद जो अगला स्टेप आता है उसको बोलते हैं 313 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, जिसमें कोर्ट एक्यूज से सवाल पूछती है कुछ। जब स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होता है तो आपको अपने जो डाउट हैं चाहे कोई तैयारी है पहले ही कर लेनी चाहिए अपने काउंसिल से मिलके आउट ऑफ कोर्ट, क्योंकि कोर्ट में काउंसिल आपके रिप्लाई नहीं करेंगे, ना आपको सपोर्ट करेंगे, ना आपको असिस्ट करेंगे। तो कोर्ट ने आपको जो सवाल पूछा है वो आपको रिप्लाई देना है। कोर्ट ये भी सवाल पूछती है कि आखिर पुलिस ने आपका गलत चालान क्यों किया, और ये भी पूछती है कि इसके अगेंस्ट में कोई आपका डिफेंस है, कुछ अपने डिफेंस में कहना चाहते हैं या डिफेंस लाना चाहते हैं। तो उसके बाद अगर आप डिफेंस लाना चाहते हैं तो अभी तक इस पोर्शन से पहले, स्टेटमेंट आप एक्यूज के पोर्शन से पहले जो गवाही चल रही थी इसे हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब आगे अगर आप कोई गवाही लेके आना चाहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको डिफेंस एविडेंस बोलेंगे। और गवाही अगर नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बता सकते हैं कि मेरे पास कोई गवाही नहीं है, कोई आपको आपको इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता। और अगर आप गवाही देनी चाहते हैं तो आप अपने आप को एज ए कंपिटेंट विटनेस की तरह अपने आप को अपनी गवाही करवा सकते हैं, लेकिन अपनी गवाही में भी आपको एग्जामिनेशन आप चीफ बताएंगे कोर्ट को कि क्या हुआ था उस दिन, और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन भी आपका होगा, जो कि पीपी जो होते हैं कोर्ट के या एपीपी जो होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद जब डिफेंस एविडेंस भी खत्म हो जाता है तो आर्गुमेंट में अपनी अपनी बातों को दोनों पक्ष रखते हैं, जो सुपीरियर कोर्ट है ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट और रूलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग अपने केस के अकॉर्डिंग कोर्ट में दिया जाता है, और दोनों के आर्गुमेंट को सुनने के बाद कोर्ट उसमें आर्डर पास कर देती है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है आपको आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द मैं उसका उत्तर दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।